आज के हम क्लास में हम बात कर रहे हैं फाइल मेनू बार के बारे में। फाइल मेनू बार जब भी हम फाइल पे क्लिक करते हैं, सबसे पहले आता है हमारा होम। क्या आ गया? होम आया। होम के अंदर में जब आप जाते हैं तो यहाँ आपके ब्लैंक वर्कबुक और यूज की गई टेम्पलेट्स आपको दिखती है। क्या दिखती है? यूज की गई टेम्पलेट्स। अब टेम्पलेट क्या होता है हम आगे बताते हैं। उसके बाद यहाँ आपके रिसेंटली वर्कबुक दिखती है, जो रिसेंटली आपने खुला हुआ है। अब मान लीजिए कोई वर्कबुक आप बार बार खोलते से देखिए डेटा है, मैं डेटा बार बार खोलता हूँ तो मैं इसको यहाँ पिन कर दूंगा। पिन करते ही क्या हो जाएगा? ये पिन लिस्ट में चला जाएगा। फायदा क्या है? क्योंकि तो रिसेंट आपका चेंज होते रहता है, बट पिन आपका फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। न्यू पे जब आते हैं तो यहाँ ब्लैंक वर्कबुक, इसके अलावा यहाँ बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिलते हैं। अब टेम्पलेट्स क्या होते हैं? बने बनाए फॉर्मेट्स होते हैं। मान लीजिए कि आपके बॉस ने बोला कि भाई मेरे लिए एक बिल इनवाइस बना दो। अब आपको पता नहीं कि इनवाइस कैसा होता है, कैसे बनता है, या आपके पास बहुत कम टाइम है, उतने टाइम पे पूरा डिजाइन डिजाइन आप नहीं कर पाएंगे, तो सिंपली यहाँ टेम्पलेट पे जाए और यहाँ पे सर्च करें बिल। क्या सर्च करें? बिल। बिल जैसे ही सर्च करेंगे आप देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे सर्च रिजल्ट आ गए। अब इस सर्च रिजल्ट्स में मैंने क्या किया, मैंने अपना जो मैं इनवाइस मेरे अकॉर्डिंग है, जैसे कि मान लीजिए ए, उसको सिलेक्ट किया और क्रिएट कर दिया। क्रिएट करते आपको एक पेज पे आ गया। बस यहाँ पे अपना कंपनी का नेम वगैरह चेंज करना है, डिटेल्स वगैरह चेंज करना है और आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आप यूज कर सकते हैं सिंपली। आप प्रिंट करके देखेंगे तो देखिए एक पेज पे इनवाइट की तरह प्रिंट होगा। तो ये टेम्पलेट्स होते हैं, तो यहां से आप टेम्पलेट का इस्तेमाल आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ओपन। जब ओपन, देखिए होम में आपके पास रिसेंट लिस्ट बहुत कम था, बट जब होम ओपन में जाते हैं तो यहाँ पे आपके बहुत सारे जो आपके ये है फाइल्स है रिसेंटली आपको मिलेगा, 1 महीने के आसपास, 1 हफ्ते के आसपास मिलेगा। लेकिन ये चेंज होते रहता है, मतलब जैसे जैसे फाइल खोलोगे ऊपर का फाइल नीचे की तरफ घसकता जाएगा, नीचे का फाइल आपका हटता जाएगा। इसमें फोल्डर लिस्ट भी, फोल्डर भी दे सकते हैं, लेकिन जो आप पिन है आपका, पिन लिस्ट हमेशा ऊपर आएगा। सर हमने पिन कर रखा है तो पिन लिस्ट ऊपर आएगा, उसके बाद नीचे जो डेटा लिस्ट आएगा, और जिसको पिन हटाना आप यहाँ से इजिली हटा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से हटा दिया। उसके बाद यहाँ पे बाकी ब्राउज पे जाके अपनी फाइल वगैरह सिलेक्ट करके ओपन कर सकते थे। सिंपली बताने की जरूरत में खास नहीं है। अब बात करते इन्फो। इन्फो जो है इस पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन सेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर फाइल है एक्सेल की, अब उस फाइल को किसने बनाया है, जैसे मान लीजिए अटेंडेंस प्रोजेक्ट आपको दिख रहा होगा, या और भी कोई फाइल, जैसे यहाँ मैंने यहाँ पे देख लिया फाइल, इस फाइल को किसने बनाया है ये आपको दिख जा रहा हो ऑथर में। लेकिन इस फाइल के अंदर है क्या? जब तक आपके नाम से पता चल रहा है तो ठीक है, अगर नाम से पता नहीं चला तो आपको क्या करना है, आपको इस फाइल को ओपन करके डेटा चेक करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि भाई अपने आप मुझे पता चल जाए कि इसके अंदर कौन सा फाइल, किस तरह का फाइल है, बिना फाइल को खोले। तो मैं इसकी प्रॉपर्टी मेंटेन, मतलब इन्फो मेंटेन कर दूंगा। कैसे? राइट क्लिक करूंगा और यहाँ प्रॉपर्टीज आपको दिखेगा, इस प्रॉपर्टीज पे चला जाऊंगा। मैंने इसके ऊपर, फाइल के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए और इसके थर्ड कॉलम में आपको दिखेगा डिटेल्स। डिटेल्स में आइए और यहाँ पे टाइटल दे दीजिए कि डे टाइम फॉर्मूला सैंपल फाइल। यहाँ पे अपना सब्जेक्ट वगैरह जो डालना है डाल दीजिए, देन अप्लाई, देन ओके। एक बार पकड़ के इसको कीजिए रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद इस पे जाइए, कर्सर रखिए, देखिए आ गया डेट टाइम फॉर्मूला सैंपल फाइल। पता चल रहा है इसलिए?
अब मुझे इसको फाइल को खोलने की जरूरत नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इन्फो में मिल जाएगी कि फाइल का साइज क्या है, टाइटल क्या है, टैग क्या है, कैटेगरी क्या है। तो यहाँ पे आप सेट भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके ना जाके आप यहाँ भी सेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर और चीजें भी हैं जो कि हम आगे क्लासेस में समझाएंगे, फिलहाल इसको इग्नोर कीजिए। फिर बात करते हैं सेव। सेव या सेवेज करते समय आपके पास जो है कहाँ पे सेव करना है वो आप यहाँ पे डिफॉल्ट फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप सेव कीजिएगा ध्यान रखिएगा एक्सेल के टाइप के अंदर जो सेव एज टाइप है उसकी बात हम कर रहे हैं। देखिए एक्सेल वर्कबुक नॉर्मली डेटा सेव करता है, अगर आपके फाइल के अंदर में कोई कोडिंग हुआ, वीवीए प्रोग्रामिंग की कोई कोडिंग हुई, तो फिर क्या होगा आपका कोडिंग एक्सेल वर्कबुक वाले फाइल फॉर्मेट में सेव नहीं होगा, ये तुरंत फाइल को डिलीट कर देगा यहाँ से। फिर यहाँ पे आएगा एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक, ये आपका डेटा भी स्टोर करता है और आपका फाइल आपका कोडिंग भी स्टोर करता है। अगर आपके एक्सेल में किसी तरह का माइक्रो का कोडिंग है तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ आता है एक्सेल 97 से 2003, ये पुराना वर्जन है आपका। बाइनरी वर्कबुक सिर्फ डेटा स्टोर करेगा, बहुत बड़ी बड़ी फाइल को स्टोर करते हैं इसमें। इसमें बात करते हैं, आगे हेलो बढ़ते हैं प्रिंट। जब हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंट की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कॉपीज डाल दीजिए कि कितनी कॉपी की प्रिंट करनी है, यहाँ पे आप प्रिंटर सेट कर लीजिए कौन सा प्रिंटर है। फिर यहाँ पे अपना की भी एक्टिव शीट करना है, कुलेट वगैरह तो है, या पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में करना है, या आपको पेपर का साइज, मार्जिन और इसे करने के बाद इसको सिंपली प्रिंट कर सकते हैं। शेयर की बात करें तो इसको आप ईमेल पे डायरेक्टली फाइल को सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बट इसके लिए आपके पास आउटलुक का होना जरूरी है। आप इसमें एक्सपोर्ट, इसको आप पीडीएफ वगैरह में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो पीडीएफ बनाना है तो पीडीएफ तो सेव है, सेव एज भी हम कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिश आपके लिए नहीं है, जो पावर बीआई के साथ अगर लिंक है तो डायरेक्टली पावर बीआई में आप इसके फाइल को अपलोड कर सकते हैं। क्लोज यहाँ से क्लोज हो जाता है अकाउंट। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की ओरिजिनल आईडी आपके पास है तो यहाँ पे आप लॉगिन वगैरह कर सकते हैं, अपने अपडेट वगैरह कर सकते हैं। फीडबैक, अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई फॉर्म कुछ ऐसा एडिशन चाहते हैं एक्सेल में, तो माइक्रोसॉफ्ट को डायरेक्ट सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये आपका लॉगिन होना चाहिए। अब बात करते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस मतलब एक्सेल की सेटिंग। अब बोलेंगे कि सर आप पहले दूसरी क्लास में ही सेटिंग्स के ऊपर आ रहे हैं। देखिए जब भी हम एक्सेल क्या कोई भी चीज नई डिवाइस लेते हैं तो उसको अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। जैसे कि आप मोबाइल फोन ही ले लीजिए, मोबाइल फोन जब आप लेते हैं तो उसकी रिंग टोन, उसका वॉलपेपर आप अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। उसी तरह से एक्सेल हम तो यूज कर गए हैं तो उसमें कुछ सेटिंग्स है जो कि हमें चेंज करना चाहिए। जैसे कि हम बात कर लें यहाँ पे फॉन्ट, तो आपको देखेंगे डिफॉल्ट आपका फॉन्ट डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज है, तो आप अपने हिसाब से फॉन्ट यहां से चूज कर सकते हैं। जो फॉन्ट ज्यादा यूज करते हैं वो फॉन्ट आप चूज कर सकते हैं। फिर आता है फॉन्ट की साइज, कि फॉन्ट की साइज करना चाहिए नॉर्मल व्यू। जब भी फाइल आप खोलते हैं तो आपको तीन शीट मिलती है या वन शीट मिलती है, तो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ऑथर नेम, अच्छा जब भी फाइल के ऊपर कर्सर रखते हैं तो बताता है ना ऑथर, मतलब तो किसने बनाया है इसको फाइल को। तो बाय डिफॉल्ट में आपका लॉगिन आईडी होता है, तो यहां से आप जो है अपना डिसाइड कर सकते हैं कि नाम वगैरह डाल सकते हैं अपने खुद का नाम। उसके बाद यह आता है आपका ऑफिस का थीम जो कि कलरफुल है। मैं यहाँ चेंज करके डार्क ग्रे कर दूं तो पूरा ऑफिस मेरा देखिए एक्सेल डार्क ग्रे हो गया। अब ब्लैक कर दूंगा तो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है,
इस तरह से ब्लैंक दिखेगा। तो एक्सेल ऑप्शंस में आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट कलरफुल होता है, कलरफुल लगी। उसके बाद हम फॉर्मूले में जाते हैं, तो फॉर्मूला में कुछ खास नहीं है, बस यहाँ देखिए R1 C1 रेफरेंस टाइल है, मतलब जो ABCD था ना, यहाँ पे ABCD जो है वो 1 2 3 हो जाएंगे। अगर मैं इसको R1 C1 रेफरेंस टाइल भी कर दूं तो देखिए 1 2 3 हो गया। मैं वापस हटाता हूँ और अपना थीम भी चेंज कर देता हूँ, कलरफुल कर देता हूँ, ठीक है। तो किस इस तरह का हो गया। उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं, सेव। तो जब भी हम फाइल सेव करते हैं, डिफॉल्ट फाइल का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो एक्सेल वर्कबुक है, माइक्रो लेवल वर्कबुक करना चाहते हो वो कर दीजिए, तो डिफॉल्ट वही रहेगा, बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये तो नॉर्मल है, ये रहा मेन चीज। जब भी हम फाइल सेव करते हैं तो मेरा डिफॉल्ट जो फोल्डर आता है वो क्या आता है, डिफॉल्ट फोल्डर हमारा आता है माई डॉक्यूमेंट। लेकिन हर बार आप माई डॉक्यूमेंट पे फाइल को तो सेव करते नहीं है, आप यहाँ से अपना फाइल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं कि कौन सा लोकेशन होनी चाहिए। लैंग्वेजेस और एक्सेसरीज खास चेंज है लाइक, हाँ एडवांस में कुछ चीजें हैं, जैसे कि आप एंटर प्रेस करते हैं तो कर्सर डाउन जाता है ना, अब डाउन की जगह पर लेफ्ट राइट आप यूज कर सकते हैं। आप ड्रैग किसी भी कर्सर को लेते हैं, यहाँ से ड्रैग कर देते हैं, यहाँ से ड्रैग हटा सकते हैं। तो ये चीजें इसके अंदर है कि क्या चीजें कर सकते हैं, क्या चीजें हटा सकते हैं, ला सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ दिखेगी। आपको लेफ्ट टू राइट करना है, आपका सीट का नेम हटा देना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो स्क्रॉल बार है वो नहीं रखना है। तो जिसको क्लिक कर देंगे वो हट जाएगा, किसी को क्लिक कर देंगे हम हट खत्म हो, जैसे जीरो है, मैं चाहता हूँ कि मैं जीरो जब सीट पे लिखूँ तो जीरो दिखे ही नहीं, तो मैं ओके कर दूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर जीरो लिख के एंटर मारूंगा तो जीरो जीरो रहेगा बट दिखेगा नहीं। देखिए वहां ऊपर दिख रहा है जीरो बट यहाँ जीरो नहीं दिख रहा है, क्योंकि तो हमने सेटिंग के अंदर ऐसे चेंज कर दी कि ऐसा कर ले यहाँ पर। लेकिन इसमें जो मेन होता है वो होता है हमारा एडिट कस्टम लिस्ट। एडिट कस्टम लिस्ट ये क्या है, चलिए इसके बारे में बताते हैं आपको। जैसे मैंने यहाँ लिखा पूजा और हम ड्रैग करते हैं तो मेरा पूजा, रवि, मोहन इस तरह के नाम आ जाते हैं, बट आपके सिस्टम में नहीं आएगा, आपके सिस्टम में पूजा पूजा है। आपके सिस्टम में क्या आएगा, आप जैन लिख के ड्रैग करेंगे तो जनवरी फरवरी आएगा, आप संडे लिख के संडे मंडे लिख के ड्रैग करेंगे तो संडे मंडे आएगा, क्योंकि तो ये डिफॉल्ट है, ये हमने नेम को सेट किया। कैसे किया, तो हम गए फाइल के अंदर, हम गए ऑप्शंस में, हम गए एडवांस में, सबसे नीचे आए और हमने दिखा एडिट कस्टम लिस्ट, यहाँ पे गए और न्यू लिस्ट पे जाके हमने यहाँ पे अपने लिस्ट बना ले, जैसे कि यहाँ बैंक का बना रखा है, जैसे मैंने सिटी का नेम का बना रखा है, ऐसे न्यू लिस्ट पे जाइए अपना नेम बना लीजिए, या कहीं पे टाइप है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए और ऐड कर दीजिए, ऐड हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट टाइम कोई भी एक नाम लिखेंगे, ड्रैग करेंगे, जो लिस्ट आपका था उस लिस्ट के अकॉर्डिंग वो सारा लिस्ट के नीचे, एक के नीचे एक के नीचे आ जाएगा। ओके सर, नॉर्मली तो सेटिंग जो है वो एक बार पढ़ लीजिएगा, हालांकि सारे सेटिंग जो भी है वो रहना चाहिए, हटा दोगे तो दिक्कत हो जाएगी सर। लेकिन कभी कभी कोई हटा देता है तो लाने के लिए आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ से आएगा। अब बात करते हैं कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन में आप अपने हिसाब से जो आपका मेनू बार है ना, जैसे फाइल, इंसर्ट, ड्रॉ, आप जो हटाना चाहते हो हटा सकते, जो लाना चाहते ला सकते। जैसे मैं ड्रॉ को अनचेक कर दिया, यहाँ से ओके कर दिया तो अब आपका हट जाएगा, नहीं दिख रहा है ड्रॉ हट गया। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है जो कि मेनू बार में अवेलेबल नहीं है। इस पर जाएंगे तो यहाँ पर पॉपुलर कमांड दिख रहा होगा, उस पॉपुलर कमांड को ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये दिखेगा कमांड नॉट इन रिबन, कमांड नॉट इन रिबन, ठीक है। तो ये सारे कमांड जो आप देख रहे हैं यहाँ पे रिबन में नहीं है, आप जिसको चाहिए उसको सेलेक्ट कीजिए और ऐड कर दीजिए, सिंपल सा। फिर आते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, जो यहाँ ऊपर में जो चीजें दिखती है यहाँ पे, ये चीजों को लाना हटाने पे यूज किया जाता है, हालांकि इसका खास यूज नहीं है।
अगर मान लीजिए किसी ने कुछ प्रोग्रामिंग करके आपको बना के भेजा है, उसको आप एक्सेल एडिंस में ऐड कर सकते हैं। ये आगे क्लासेस में समझाऊंगा आपको, फिलहाल इसको स्किप कर दें। तो फाइल मेनू बार के अंदर जो चीजें थी हमने आपको मोटा मोटी बता दी, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि थोड़ा सा इसका स्टडी करने के लिए मिल जाए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक आर्टिकल का पीडीएफ कॉपी आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, आप उसको तसल्ली से बैठ के पढ़ लीजिएगा। कल से हम होम मेनुवार के अंदर की चीजें शुरू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम।